ये हैं हमारे गायत्री शक्तिपीठ सुजालपुर के लखन सिंह जी परमा, और इन्होंने यहाँ दूतालय परिसर में मेरे को 2 बार पौधे दिए। एक बार के तो मैंने खुद ही उनमें सेवा की थी उनकी, बाद में मैं हट गया था तो वो पौधरक्ष की वजह से कुछ पौधे नष्ट हुए। बाद वाले जो इनने 200 पौधे यहीं गाड़ी से लाके दिए थे यहीं, जबकि सुजालपुर से यहाँ 35 किलोमीटर का फासला है। और अभी भी ये सिमरोल में इनकी तरफ से ही मेरा कोई सेवक नहीं, इनकी तरफ से सुहाग सदवा के लिखवाने का काम करवा रहे हैं। हम इनके ऋणी हैं, उनका ऋण चुकाएंगे जब हमसे बनेगा तब, लेकिन अभी इनकी तरफ से सदवा के लिखवाने के लिए इनकी टीम आई है। 7-8 लोग हैं और गाड़ी लेके सुजालपुर से हलाए होते हुए यहाँ पहुँचे हैं। मैं ये तो हैं, दिख रहे चेहरों तुम्हारा, लखन सिंह जी परमार, और ये है दूतालय परिसर सिमरोल, जिसके कई बार आप देख चुके होंगे। ये पौधे आधे इनके ही द्वारा दिए गए, इनके द्वारा दिए गए आधे पौधे इसमें, और इनकी जो टीम सदवा के लेखन कर रही है वो भी मैं आपको दिखा दूं। ये हमारे भैया ये कॉलोनी में उधर से दूर से आ रहे हैं लिखते हुए। अभी इनकी टीम के और कुछ सदस्य उधर हैं, वो लिख रहे हैं सदवा के, और इनको तो सुबह से लखन सिंह जी ने कुछ नहीं करने दिया, यहाँ तक स्नान भी नहीं करने दिया, इतनी कर्मठ टीम है इनकी। और अभी प्रचंड धूप अभी छांव हो रही है, बादलों की वजह से बारिश का माहौल है, और अभी 12:30 बजे तक इन्होंने भोजन भी नहीं किया है, हालांकि भोजन तैयार है। तो ऐसे कर्मठ हैं जो लिखने का काम कर रहे हैं, वो तो बोले मैं भोजन करूँगा ही नहीं। ये सदवा के लिखे हुए हैं, वही लखन सिंह जी तो वहाँ बैठे हैं। ये है उनकी गाड़ी, ऊपर गायत्री मंत्र लिखा हुआ है, और इनके 7-8 लोगों की टीम है, और कुछ 1-2 सदस्य आ रहे हैं अभी। तो ये विकास के घर से, यहाँ से चालू किया था विकास के घर से फर्स्ट लिखना, उसके बाद अब गांव में धीरे धीरे आगे जितना हो सके, अब पानी अगर नहीं आया तो पूरे गांव में लिखेंगे। तो यहाँ से हमने चालू किया था और अब लिख रहे हैं, लेकिन पानी का मौसम बहुत तेज़ बन रहा है, हो सकता है काम पूरा हो या ना हो, तो फिर अगली बार देखेंगे। एक लाइन खींचते हैं चारों तरफ गोला और वृत्ताकार, और दूसरे ये बाउंड्री पर लाइनिंग करते हैं, तीसरे इन पर सदवा के लिखेंगे, ऐसे करके 3-4 लोग, और टोटल 8 लोग।